आंध्र अधिकारी पटांगी विधायक मुहामुही कोटिया सीमा भितर पशि ओडिशा विरोध में मीटिंग करुवा बेले फगु सिनेरी ठारे पटांगी विधायक आंध्र अधिकारी मुहामुही होती विधायकों तागिद पर पार्वतीपुर पीए आईटीडी आंध्र फेरी जाती आंध्र द्वारा अनुष्ठित पंचायत निर्वाचन में जयजुक्त होता प्रार्थी पार्वतीपुर पीए आईटीडी फगुनसेरी ठार निकटवर्ती छखंड ग्रामवासी को नहीं बैठक करते ओडिशा पक्षर होगा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को भंडूर करने को सीमांत लोक मताऊ खबर पाई पटांगी विधायक प्रीतम पाढ़ी फगुसिनेरी पहुंची कड़ा विरोध करते विधायक घटनास्थल को पहुंची लोक पचारि बुझुवा बेले सेठे पहुंची आंध्र पार्वतीपुरम आईटीडीए पीए कुर्मनाथ बचसा होता विधायकों विरोध पर आंध्र अधिकारी घटनास्थल फेरी जाते मनोज दास आम जयपुर प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना मनोज आज के घटना एपर्यंत कौन सूचना आँचुची लाटेस्ट अपडेट निहाती भाव देखु आज जो कोटिया अंचल जो भी प्रकार आंध्र अनुप्रवेश जारी रही लगातार देखो कोटिया को लेकिन आम खबर प्रसारण कर देखते कोटिया सीमा मध्य ओडिशा विरोध में लगातार मीटिंग कर लगी जो ओडिशा जो आंध्र जो एजेंट मान रही सेमाने लगातार ओडिशा रे आसुचंती ओडिशा सीमार कोटिया फाटु सिनेरी फगुण सिनेरी सब अंचल करुचंती आज से फगुण सिनेरी अंचल गोटे बैठक करते पाखापाखी छ खंड ग्राम लोक को एकत्रित करते कि आगकू जो निर्वाचन आसुची से निर्वाचन में ओडिशा रे निर्वाचन को विरोध करिए तो जहाँ को लेकिन सेमाने सेठी गोटे गोटे बैठक आयोजन करते सभा आयोजन करते गाँव लोक नहीं तो से समय जो आम पटांगी विधायक रही प्रीतम पाढ़ी सी फगुण सिनेरी घटनास्थल जाइची आंध्र जो एमपीटीसी जो विभाग रही आंध्र तो आंध्र प्रशासन अधिकारी मुहांमुही होता फगुण सिनेरी अंचल दुई आंध्र अधिकारी जो पटांगी विधायक रही उभय बर्षा मध्य जोरदार देखा मिली ओडिशा तरफ जो पटांगी विधायक चेतावनी देते कि आपण ओडिशा सीमा को पसंद ना किशार सीमा भितर को आपण कौ अधिकार आसी तो से आंध्र विभाग अधिकारी से आमर कोटिया जो अंचल रही फटु श्रेणी फागुण श्रेणी अंचल रही सब आंध्र अंचल तो से एक बारंबार कही कि जो देखो 1968 मसीह केस नंबर 10 अनुसार वर्तमान सुधा सुप्रीम कोर्ट रे सही केस पड़ी वर्तमान सुधा कोर्ट तरफ न्यायालय तरफ कौन प्रकार मतामत आसनी ताल आप कौ अधिकार नहीं आसुचान जदि बारंबार आपड़ ये आम ओडिशा सीमा भितर आपण अनुप्रवेश को जारी रखिए तो निहाती भाव में आगामी दिन आपण को विरोध करा दरकार पड़े माड़ मारजार तेरे फगुण सिनेरी अंचल ओडिशा तरफ जो अधिकारी मैंने रही सरकारी अधिकारी मैंने नजर खबर आसले ना आसनी एपर्यंत जिलापाल तरफ कहु ब्लॉक अधिकारी तरफ कहु एने किसी प्रतिक्रिया सामना को आसी निहाते देखु आगुरी जो आम जी पूर्वतन एठिकार थे जो सांसद रही थे जो पांगी बाबू थे सी गत काली जिला प्रशासन को जिलापाल कोरापुट जिलापाल सूचना देते कि आज किसी आंध्र अधिकारी मैंने आसी फगुण सिनेरी जो अंचल रही फाटु सिनेरी अंचल रही से अंचल से लोक नहीं गोटे बैठक करेंगे आगुआ यह सब विषय में जिलापा सूचना दे आम पाखे भी सूचना रही कि सब बड़ आश्चर्य कथा जिला प्रशासन पाखे आगुआ सूचना थी जिला प्रशासन तरफ ना जिलापा खुद जाइए ना जिलार कौन विभाग अधिकारी जाइए कहीं आम एक कौचु कहीं लगातार आम आज सका दिन 10 रु संध्या 5 जाए आम निजे घटनास्थल उपस्थित थिलु तो आमे ओडिशा सरकार तरफ ओडिशा जो आमे कोरापुट जिला प्रशासन तरफ कौन सी अधिकारी उपस्थित आमे से देखी ना यहाँ मध्य सुनिवा को मिलुछि जे आंध्र अधिकारी मध्य आसी थिले एवं पंचायत निर्वाचन जेतु ओडिशा आगु करबा को जाउछि ताको अटकाइबा पे आंध्र रे एक मसुदा कम से कम फगुण सिनेरी रे वर्तमान आंध्र अधिकारी माने पहुंचबा परे सरकार चेतिबे एवं यहाँ को एक स्ट्रांग पदक्षेप निजी स्ट्रंग आक्शन ओडिशा सरकार तरफ निजी स्थानीय अंचल लोके आस्थावादी अच्छा ना नहांती
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫଟୋ ସିନେରୀ ଆଉ ଫାଗୁଣୀ ସିନେରୀ କଥା କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଲଗାତାର ଧରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଉଥିବା ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା, କାହିଁ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଛି, ଏମିତିକି ରହିଛି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବାକୁ ସେମାନେ ନାରାଜ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଚସା ହୋଇଥିଲା କିଛିଟା ସମର୍ଥନ ସେଠାକାର ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଠୁ ଫେରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଟିଆର ମାହାଲ ଦେଖିଲା ପରେ, କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାହାଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଲାଗୁନି କି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ଦାସ, ଆମ ଜୟପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ନେଇ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ପଶି ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଫେରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସିଏ ମୋଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଦରାକାଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ 21 କୋଟି ଆମ ଡିସପୋର୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ OBC କାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରାକାଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଉଛି ST, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି OBC, ତାଙ୍କୁ ସେ ଏସ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ କିଛି ବି ଏଇଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କଡ଼ୱା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ କରି ଆମର ଏଇଠି ଏଜେଣ୍ଟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଲୁର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ସାଲୁର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ କଡ଼ୱା ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କର 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସୁବିଧା କି କୌଣସି କାମ ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆଜି ଆମର ଫୋନ ପଠାଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ୟୁଟ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିକି ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମାନେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବି ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ।